इनविजिबल है सबको, ठीक है ठीक है, मुझे आ चुके रिप्लाई। सो गाइस देखो, लीड जनरेशन दो टाइप्स की होती है। लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है कि जो लोग हमें बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है उन्हें हम अप्रोच कैसे करें, कौन से तरीके से। मेनली दो ही टाइप की लीड जनरेशन होती है, प्लेटफॉर्म्स अलग अलग होते हैं। दो लीड जनरेशन के तरीके क्या होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन जो फ्री में होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से हम प्रोफाइलिंग करते हैं, लोगों को अप्रोच करते हैं, या हमारी रील्स वायरल होती है, इंस्टा शाउट आउट्स होते हैं, जब भी हम किसी को डीएम करते हैं, ये सारे तरीके होते हैं ऑर्गेनिक में, जो अभी आप सीखोगे। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि पेड प्रमोशंस हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग्स हो गई, हमने डिजिटल मार्केटर से लीड्स ले ली, ये होती है पेड लीड्स। दोनों ही हमारे बिजनेस में इंपॉर्टेंट है, तभी हम मैक्सिमम लीड जनरेट कर पाएंगे। बट लीड जनरेट करने से पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको लीड तो जनरेट करनी है बट प्रोफाइलिंग करने में दिक्कत हो रही है, कि प्रोफाइल इतनी इंप्रेसिव नहीं हो रही है कि लोग देख के खुद ही मैसेज करें। कितने लोगों के साथ ये दिक्कत आ रही है, एक बार चैटबॉक्स में मुझे बताओ। या तो आप अपने आप को शो नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको पता नहीं कि प्रोफाइल बनाई कैसे जाती है। मैं आपको अभी कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा एज वेल एज प्रोफाइल्स भी शेयर करूंगा, कैसे आपने हायरार्की मेंटेन करनी है। इट्स वेरी सिंपल, कोई टफ टास्क नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे पॉइंट्स होते हैं, प्रोफाइल बनानी जरूरी क्या है। हमारी प्रोफाइल इंप्रेसिव होनी चाहिए, जैसे आपने तरंग सर की प्रोफाइल देखी होगी, कृष्णा सर की प्रोफाइल देखी होगी, बहुत सारे अलग अलग हमारे सीएलटीस की मेंटर्स की प्रोफाइल देखी होगी। जब भी कोई पर्सन, आप जैसे एग्जांपल यहाँ पे मेरे सामने है जितेश, कोई पर्सन अगर जितेश से बिजनेस समझेगा तो वो सबसे पहले उस कहाँ पे जाके ढूंढेगा, वो ढूंढेगा उसे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम इज द सीवी, वही हमारा रेज्यूम है। जब कोई पर्सन बिजनेस को समझेगा वो प्रोफाइल को देखेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारी डीपी होनी चाहिए। डीपी का मतलब है प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे भी लोग कुछ गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि पूरा वो बॉडी पार्ट रखते नहीं है, फैमिली के साथ रखेंगे, पेट के साथ रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी बेसिक चीज, आपको अपना जो पिक्चर है वो 50% जो अपर पार्ट होता है 50% बॉडी का उतना ही रखना है, ताकि पर्सन आपको दूर से भी देखे तो उसे वहां पे वो विजिबल रहे। मेन चीज ये करनी है। सेकेंड थिंग क्या करनी है, आपने रेगुलर स्टेटस डालने। आपको पता है जब भी कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आता है वो आपकी स्टेटस पहले देखेगा, स्टोरीज पहले देखेगा, भले ही वो इंस्टाग्राम क्यों ना हो, फेसबुक क्यों ना हो, और क्यों ना हमारा लिंक्डइन हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपने रेगुलर स्टोरीज और स्टेटस डालने हैं। अब आपके अंदर क्वेश्चन आता है कि इसका स्टेटस के अंदर क्या डालू। मैंने देखा है इनिशियल लेवल पे लोग गलती करते हैं, आप अपने इंस्टाग्राम को एक एडवर्टाइजमेंट की दुकान बना देते हो, वो हमें नहीं करना है। आपने इंस्टाग्राम की फीचर्स यूज करने हैं, जैसे आप कुछ क्वेश्चंस पुट आउट कर सकते हो हमारी नीश के, एंटरप्रेन्योरशिप के, बिजनेस के, कुछ क्विज भी रख सकते हो, इंस्टाग्राम के प्रॉपर इफेक्ट्स यूज करो, अट्रैक्टिव स्टोरीज बनाओ, जो आप डेली बेसिस पे एक्टिविटीज करते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपके पास अभी लग्जरी नहीं है तो आप फेक लग्जरी शो करो, कभी ऐसी चीज नहीं करनी है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, इतनी अर्निंग थी ना, इनकम थी, और ना ही साथ में कुछ लग्जरी थी। तो मैंने वहां पे सोचा वैल्यू एडेड कंटेंट बनाने के लिए, एक प्लेन वॉल चूज की, और जो नॉलेज हम बुक से रीड कर रहे हैं, ट्रेनिंग से ले रहे हैं, वही शेयर करना स्टार्ट किया। तो आपको स्टोरीज बनानी है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर रहे हैं ना उनके फीचर्स यूज करने हैं। जैसे एग्जांपल मान लो आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हो, एक स्नैप बना दिया, वो डाल दिया, आप रीडिंग कर रहे हो, स्नैप बना दिया, डाल दिया, स्टोरीज ले ली, डाल दी। सिंपल है, सबको पता है ये चीज, ये पर्सन को हर एक को पता होती है, बट आप ये शो नहीं करते हो। जो दिखता है वही बिकता है, शो करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है स्टेटस में। और एक चीज जो लोग गलती करते हैं, जो फोर्थ पॉइंट है, कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं डालना है जिससे नेगेटिविटी स्प्रेड दे रही हो, कोई पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट हो, कोई हार्ट ब्रोकन स्टेटस हो, बिल्कुल भी ये चीज नहीं करनी है। अगर वो आपको करनी है आप अपने पर्सनल प्रोफाइल में करो, बट अपना बिजनेस प्रोफाइल जो आप इंस्टाग्राम पे बनाओगे उसमें वो चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी आप शो कर रहे हो आपके इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए, जो आप प्रेजेंट कर रहे हो वो ट्रू होना चाहिए। नेवर फेक इट, फेक इट अंटिल यू मेक इट, बट फेक कभी नहीं करना है आपने। अब जब आप स्टोरीज बना रहे हो, स्टोरीज डाल रहे हो, आपने बायो बनाना है। अच्छा, सबको पता है ना इंस्टाग्राम पे एक सेक्शन होता है बायो का, आप किसी भी अपने सीएलटी मेंटर आपके अपलाइन की देखो, एक अच्छा सा बायो बनाया होता है, वो भी बनाना बहुत जरूरी है। लोग आपकी प्रोफाइल पे 50% कन्वर्ट हो जाते हैं अगर प्रोफाइल में दम होगा तो। देन उसके बाद में अपनी जो फीड है, जो नीचे की फीड होती है जिसपे हम पोस्ट डालते हैं, पोस्ट में भी क्या आपके क्वेश्चन आते हैं, पोस्ट में क्या क्या डालना चाहिए, हमने क्या नहीं डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए। किसी का ये क्वेश्चन है एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओ। ठीक है, कुछ लोग क्या आ रहे हैं कि सर कंटेंट ही नहीं है। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ इफ वॉइस ब्रेक हो रही है तो। लगे एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। ओके ओके, सो कंसिस्टेंट हमने फीड पे पोस्ट पे क्या कर सकते हो, देखो अगर आपके पास लाइफस्टाइल है आप लाइफस्टाइल शो करो, आपके पास नॉलेज है बुक्स रीड करते हो तो उसका कुछ कैप्शन बनाओ, कुछ कोड बनाओ। मैं आपको दो ऐप सजेस्ट करूंगा जिससे आप इजीली अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, भले ही आपको डिजाइनिंग का जीरो नॉलेज हो। दो ऐप्स को डाउनलोड करके रखो। फर्स्ट इज कैनवा, CANVA, iOS में भी अवेलेबल है, एंड्रॉइड में भी अवेलेबल है। ये एक ऐसा ऐप है जिसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, आप इजीली अपने पोस्टर्स बना सकते हो अलग अलग तरीके के। सेकेंड ऐप है इंस्टा स्टोरी सेवर, या फिर एक स्टोरी सेवर, एंड्रॉइड पे आपको मिल जाएगा।
आप वहां से किसी का भी स्टेटस, किसी की भी स्टोरी, किसी का भी हाईलाइट, रील, पोस्ट, सारी चीज डाउनलोड कर सकते हो। इससे आपके पास कंटेंट भर भर के रहेगा, नॉलेज का भी, कुछ मोटिवेशनल कोर्स डाल सकते हो, जेन्युइन वैल्यूएटेड कंटेंट भी डाल सकते हो। अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, सबको पता है रील्स आज के टाइम पे हाईली डिमांड है। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम फेस होती है कि सर डर लगता है बात करने में, कैमरा पे आने पे डर लगता है, सामने देखने में डर लगता है, कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, नीचे मैं आपको बताऊंगा वो। ठीक है, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है, डर लगता है, क्या हम किसी का मुझे मैसेज आया कि क्या हम बिना शो करे नहीं कर सकते हैं क्या? देखो वेरी सिंपल है, अगर आप इस बिजनेस में अपने आप को शो नहीं करोगे, आपका अकाउंट लगेगा फेक, वो लगेगा स्पैम। जब तक आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं करोगे, भले एक छोटे से शायरी से क्यों ना शुरुआत करो, आप छोटी सी शायरी से, मैंने वैसे ही शुरुआत की थी, एक मुझे 10 सेकंड की रील बनाने के लिए 2 घंटे लग गए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ डर था अंदर। तो जब तक आप शो नहीं करोगे, तब तक आपकी रील्स, आपकी स्टोरीज वायरल नहीं होगी। आपने अच्छी हाइलाइट्स बनानी है इंस्टाग्राम पे, हाइलाइट्स के लिए आप अपने अपलाइंस की एग्जांपल्स देखो, उनकी स्टोरी पे जाके देखो। जब कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल पे हाईलाइट देखता है ना, ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। मेन बिजनेस में ट्रस्ट ही है, सबने देखी ना स्कैम 1992, ट्रस्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। तो हम क्यों नहीं वो चीज करते? जब तक आप ट्रस्ट बिल्ड सामने वाला नहीं करेगा, बात पैसे की नहीं है, बात मम्मी पापा की परमिशन की नहीं है, बात खाली ट्रस्ट की है। और ट्रस्ट दिखता है टेस्टिमनी से, एग्जांपल से, रिजल्ट से, वो आपको वो शो करना है। इनिशियल लेवल पे हो, अपने अपलाइंस का शो करो, टाइम हो चुका है तो खुद की अचीवमेंट दिखाओ। जब तक अचीवमेंट्स नहीं दिखाओगे, तब तक नहीं शो होगा। मेरे अगर एग्जांपल बात करूं, बीच में मुझे भी दिक्कत आ रही थी चीजों की, पर्सनल मेंटरशिप में मैं एक बार नंबर 1 आया, मैंने वही चीज अचीवमेंट में डाली और मुझे इससे रिजल्ट आ गया। तो अचीवमेंट आपको शो करनी ही पड़ेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट है, ये बहुत लोग गलती करते हैं, हो सकता है आप भी कर रहे हो, कभी भी डोंट एवर राइट और मेंशन नेटवर्क मार्केटिंग, कंपनी नेम, प्रोडक्ट डिटेल्स, जॉइन मी, ये वर्ड्स बिल्कुल मत यूज करना अपने पूरे प्रोफाइल पे, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उसका रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा ये है कि क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है पर्सन की। कोई गलत चीज नहीं है, अगर कोई पर्सन देख लेगा ना, वो खुद से सर्च करेगा, आपको अप्रोच नहीं करेगा। हमारा मेन काम अपनी ब्रांडिंग करने की जरूरत है, कंपनी की ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बहुत बड़ी ब्रांड है, अचीवर्सली ऑल्सो इज अ ब्रांड, हमने खुद की ब्रांडिंग करनी है। ये सारे पॉइंट्स का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, 10 से 12 पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट नहीं। इस पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स को डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली 15-20 मिनट्स देने। क्या दे दोगे आप मुझे बताओ? सारे लोग रेडी हो देने के लिए? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओ। ये सारे पॉइंट्स आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, तभी आपकी प्रोफाइलिंग होगी। कोई एक दिन का काम नहीं है, कोई 2 दिन का काम नहीं है, आपको कंसिस्टेंटली, हो सकता है 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 10 महीने लगे, कंसिस्टेंटली अगर डेली बेसिस पे ये एक्टिविटीज करोगे, आपकी प्रोफाइल नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, दैट्स माय गारंटी। अभी मैं आपको प्रोफाइल भी बताऊंगा इन दी एंड मेरी, ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगी इस पॉइंट्स को मैंने कैसे इंप्लीमेंट किया। आप सारे लोग रेडी हो, प्रोफाइल तो बिल्ड हो गई, प्रोफाइल बिल्ड कर लोगे, बट उसके बाद कैसे लीड जनरेट करनी है, क्या क्या तरीके होते हैं? देखो वैसे तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, इंस्टाग्राम भी है, लिंक्डइन भी है, फेसबुक भी है, रेफरेंस मार्केटिंग है, इंटर्नशिप्स के पोस्ट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी है, और बहुत सारे। बट आज हम जो हाईली अभी डिमांड में जो प्लेटफॉर्म है, उस पर हम बात करेंगे, दैट इज इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे हमने काम कैसे करना है। एक मिनट, हाँ, जैसे मैंने आपको इनिशियली क्या बताया था, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन होती है, इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन होती है। लीड जनरेशन का मतलब है कि हमें पहले लोग ढूंढने पड़ेंगे आपको। हमारा लीड जनरेशन का मतलब क्या है कि हमें नंबर निकालना है। जैसे मेरे सामने अभी पर्सन है आयुष, अगर मुझे लीड जनरेट करनी है, मतलब मुझे पर्सन का नंबर चाहिए, कैसे भी करके, कहीं से भी। नंबर जाने तक का अभी आपने प्रोसेस समझना है कि वो नंबर कैसे निकालना है, ठीक है? अगर मैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की बात करूं, ये जो मैंने पॉइंट्स है ना, सारे लोग लिख लो, आई वुड सजेस्ट सारे लोग लिख लो ये पॉइंट्स, ये जो मैंने कैटेगराइज किए, यहाँ पे आपको लोग मिलेंगे। मैं आपको ये लाइव भी करके बताऊंगा इंस्टाग्राम पे, अभी आपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लेने, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला पॉइंट है हैशटैग। आप सबको पता है हैशटैग का मतलब क्या है, राइट? कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको नहीं पता? कोई है ऐसा? शायद नहीं होगा मेरे हिसाब से। हैशटैग से आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। जैसे मान लो आपने लिख दिया हैशटैग पुणे इंस्टाग्राम पे, तो पुणे की जितनी ऑडियंस है, जितने लोगों ने भी पोस्ट किया हैशटैग में पुणे लिखा है, वो सारे लोग आपको दिखेंगे। ये है लोग, कैसे अप्रोच करना है, क्या चैट्स होगी, कैसे नंबर निकालना है, सारे लोग बताऊंगा। अच्छा मुझे एक बताओ, आपको, आप डीएम्स करते हो बट आपकी वो रिप्लाई नहीं आते, किनके साथ ये प्रॉब्लम होती है? या आप डीएम्स तो बहुत करते हो बट रिप्लाई नहीं आते, या फिर लोग काम बहुत पूछते हैं, नंबर देते नहीं है, कितने लोगों के साथ ये होता है? होता है ये सर? ठीक है, बहुत लोगों के साथ होता है सर, नंबर नहीं देते, बहुत डीएम्स करते हैं। अच्छा कितने लोगों के साथ ये होता है कि सर अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, रिस्ट्रिक्ट हो रहा है? उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। अकाउंट ब्लॉक होता है, ज्यादा डीएम्स हो जाते हैं, नंबर नहीं देते, रिप्लाई नहीं करते, काम बहुत पूछते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीज तो मैं बताऊंगा, बट आपने पहले ये चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले हैशटैग्स हो गए, सेकंड हो गए यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एग्जांपल एमिटी यूनिवर्सिटी, भोपाल यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, ये सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, इन सबके इंस्टाग्राम पे पेजेस है, अकाउंट्स है, उन सबके फॉलोअर्स भी है, उन सबके पोस्ट भी है।
इन फॉलोअर्स को आप टारगेट कर सकते हो बिकॉज दे आर स्टूडेंट्स, और हमारे बिजनेस में मोस्ट टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट्स 18-25 एज ग्रुप। कैसे ढूंढना है मैं अभी आपको एक बार करके ही बताऊंगा। थर्ड है फॉलोअर्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर का मतलब है कि जो जैसे वो वाले इन्फ्लुएंसर नहीं जो सिर्फ लिप सिंक कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ कंटेंट बना रहे हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ऐसे इन्फ्लुएंसर जो नॉलेज दे रहे हैं। क्योंकि क्या होगा, जैसे एग्जांपल आप कंसिडर करो संदीप माहेश्वरी सर, वो क्या कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं। हमारे बिजनेस में मोटिवेशन नीडेड है, मतलब दो एंटिटी कॉमन है, तो वहां के फॉलोअर्स हमारे बिजनेस के लिए इज द रियल टारगेट ऑडियंस। ऐसे आपने फॉलोअर्स जो इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स है, जैसे राज शमानी हो गया, डिजिटल धैर्य हो गया, डिजिटल प्रतीक हो गया, गैरी वी हो गया, पुष्कराज सर हो गए, राइट, बहुत सारे अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स, फिर गौर गोपाल दास वर्मा सर हो गए, तो ये जितने भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है इनके फॉलोअर्स को टारगेट करो। इनके फॉलोअर्स को भी और माइक्रो करके जा सकते हो आप, जैसे कि आपको रिप्लाई बढ़ाना है वही मैं बताऊंगा, बट इन्फ्लुएंसर्स को आप टारगेट करोगे तो आपको रिप्लाई जल्दी आएंगे। फोर्थ हो गया ट्रैवल पेजेस। अब अच्छा मुझे ये बताओ कितने लोगों को ट्रैवल करना पसंद है, यहाँ पे घूमना बहुत पसंद है। ठीक है चलो ट्रैवल करना सबको पसंद है, बट कितने लोग एक्चुअली जा पा रहे हैं वहां पे जो आपकी डिजायर्ड लोकेशन है। एग्जांपल मैं इंडिया की बात करूंगा, बहुत लोगों का मन होता है लेह लद्दाख जाने का, बट क्या आप जा रहे हो अभी, क्या जाना पॉसिबल हो रहा है, क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि जो चीज हमारे पास अभी नहीं है और हमें वो चाहिए बट हमारे पास उसका एक्सेस नहीं है, हम उसे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। सेम गोज विद अदर पीपल ऑल्सो, लोग ट्रैवल पेजेस को, ब्लॉगर्स को, फूड ब्लॉगर्स को बहुत फॉलो करते हैं क्योंकि उनके पास वो अभी चीज अवेलेबल नहीं है, बट हमारे बिजनेस से वो चीज अवेलेबल है, उन्हें भी आप टारगेट कर सकते हो। ट्रैवल पेजेस कैसे हो गया, आपने लिख दिया एग्जांपल हैशटैग इंडियन ट्रैवल ब्लॉगर, बहुत सारे अलग अलग पेजेस, बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स आपको मिलेंगे। देन आपने फॉलोअर्स और कमेंट करना है ऐसी इंडस्ट्रीज के जो ऑलरेडी डाउनफॉल में, जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ मोटिवेशनल पेजेस के, बहुत सारे मोटिवेशनल पेजेस आपको मिलेंगे, कंटेंट मिलेंगे, उनको भी आप अप्रोच कर सकते हो। फाइव स्टार होटल्स हो गए, जिम्स हो गए, ये चीजें क्या होती है कि लोगों का मन बहुत करता है बट वो फोन से एक्सेस करना पसंद करते हैं बिकॉज अभी हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती है ड्यू टू मेनी ऑफ द रीजन। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे बट हमारे बिजनेस से वो सारी चीजें पॉसिबल है, तो यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो। लास्ट पॉइंट है फॉलोअर्स ऑफ एनी इंडस्ट्री रिलेटेड पेज दैट इज इन डाउनफॉल। जैसे आपको पता है कोविड में एविएशन इंडस्ट्री डाउनफॉल में थी बहुत ज्यादा, सेकेंड थिंग टूरिज्म इंडस्ट्री डाउनफॉल में थी, रियल इस्टेट डाउनफॉल में थी, इनके बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस, अलग अलग कंपनीज इनके भी फॉलोअर्स है, जैसे जेट एयरवेज है जो अभी स्टार्ट होने वाली है बट बहुत टाइम से बंद थी, बट उसके फॉलोअर्स तो थे जिन्होंने जॉब लूज किए थे, आप उन्हें भी टारगेट कर सकते हो। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये पॉइंट्स है कि लोग कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से आपको लोग मिल जाएंगे। सारे लोग मुझे बताओ कि लाइव देखना चाहते हो, कैसे ढूंढना है इन्हें और कैसे मैसेज करना है इन्हें, क्या मैसेज करना है इन्हें, क्या सब लोग देखना चाहते हो, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स बताओ। ऐसे देखो इंटरेक्शन नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, फिर मैं ही बोलते जाऊंगा और आप सुनोगे और फिर मीटिंग होने के बाद बुक बंद करके सो जाओगे, वो नहीं चाहता मैं, इंटरेक्शन चाहिए। ठीक है बहुत लोग रेडी है, तो मैं अभी एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको इंस्टाग्राम पे लाइव बताता हूँ ये लोग मिलते कैसे है और इन्हें क्या मैसेज करना है। जस्ट गिव मी अ मिनट। सबको स्क्रीन विजिबल है मेरी, सबको इंस्टाग्राम दिख रहा है, एक बार चैट बॉक्स मुझे बता दो। ठीक है सबको विजिबल है, पहले मैं एक बार आपको शॉर्ट में प्रोफाइल बता देता हूँ, देन मैं आपको बताता हूँ डीएम्स करना कैसे है, अलग अलग कैटेगरीज का फास्टली बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले देखो गाइज मैंने क्या बताया था आपको, प्रोफाइल पिक का 50% विजिबल है, राइट। बायो देख लो यहाँ पे, बायो इज ऑल्सो अ बिट सिंपल एज वेल एज अट्रैक्टिव, पीपल वुड गेट टू नो कि सोशल मीडिया को मनी मेकिंग मशीन कैसे बनाना है। अब ये मत करना साइड लो कॉपी कर लेना, ट्राई टू मेक समथिंग ऑफ योर सिंपल वे में। देन नीचे देखो आपने एक कॉल टू एक्शन दे दिया कि पर्सन अगर आता है तो एक फॉर्म फिल करेगा, हाईलाइट्स बनाई हुई है यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, देन पोस्ट की ग्रिड बनाई हुई है, रील्स भी बनाई हुई है, ये बेसिक चीजें देखो पता तो सबको है बट जो एक्शन टेकर्स है जो बनाना आज से स्टार्ट करेंगे उन्हीं को हेल्प मिलेगी, तो आप एक बार प्रोफाइल अपने आप से भी चेक कर सकते हो जाके। अब मेन आता है डीएम्स कैसे करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट मैंने हैशटैग बताया था आपको, राइट। हैशटैग अगर मैं सर्च करता हूँ एग्जांपल पुणे, या फिर चलो मैं और इजी कर लेता हूँ आपके लिए, इंडियन फैशन ब्लॉगर, अब देखो यहाँ पे आपको पोस्ट दिख रहा है, चलो मैं एग्जांपल सेकंड लिंक पे क्लिक करता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले हैशटैग ये सर्च किया, टॉप पे कभी क्लिक नहीं करना है, आपने जाना है रिसेंट पे,
एक मिनट, ये क्यों शो नहीं हो रहा है? हाँ, आप रिसेंट पे जाओ। रिसेंट पे जाने का फायदा क्या होगा, जो अभी अभी पोस्ट हुआ है, जिन जो एक्टिव अकाउंट है जिससे आपको रिप्लाई जल्दी आ जाएगा, उनको आप अप्रोच कर सकते हो। जैसे मैंने रिसेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे एक प्रोफाइल ठीक लग रही है मुझे, ओम दुडानी की, मैं इस पे क्लिक करूंगा। मैं क्या करूंगा, चाहे तो मैं इसे फॉलो भी कर सकता हूँ, चाहे तो मैं इसे एक दो पोस्ट पे लाइक कर दूंगा, सो दैट इसको लगे यार कौन कर रहा है ये। और फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसको मैसेज कर दूंगा, डायरेक्ट मैसेज। ठीक है, सिंपल था, प्रोफाइल ढूंढना, उसकी प्रोफाइल में लग रहा है दम है, आपको लग रहा है हमारे बिजनेस के लिए अच्छा होगा, मैंने यहाँ पे इसको कर दिया डायरेक्ट मैसेज। डोंट वरी, मैं आपको टेम्पलेट भी शेयर करूंगा, प्रॉपर चैट्स भी बताऊंगा, नंबर कैसे शेयर करना है। पहले आप मुझे बताओ क्या समझ में आया, लोग कैसे ढूंढे, उनकी प्रोफाइल पे लाइक करो, कमेंट करो, इसे हम प्रोस्पेक्टिंग भी बोलते हैं। और फिर हमने डीएम कर दिया, सबको समझ में आया, सिंपल था। चैट बॉक्स में मुझे एक बार बता दो थम्स अप करके, इफ समझ में आया तो डीएम कैसे करना है। ये मैंने आपको हैशटैग का बताया, आप अलग अलग, आप जो मैंने कंटेंट बताया उसको एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करोगे पता चल जाएगा। जैसे हैशटैग्स है, यूनिवर्सिटीज का एग्जांपल मैं एमिटी यूनिवर्सिटी पकड़ लेता हूं। अगर मैं एमिटी यूनिवर्सिटी सर्च करता हूं, उसका ऑफिशियल पेज पे जाओ आप, अब देखो उनके फॉलोअर्स 20.2K, इनको भी टारगेट कर सकता हूँ। चलो आप मुझे बताओ ऐसा क्या तरीका आपको जानना है जिससे इंस्टेंट मैसेज आ जाए, एकदम इंस्टेंट और क्वालिटी। कितने लोग जानना चाहते हैं बिना फॉलोअर्स में जाए, फॉलोअर्स में जाना ही नहीं पड़ेगा, बट रिप्लाई इंस्टेंट आएगा, उसके लिए बताया आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे हमने यूज करना है कि देखो इंस्टाग्राम कैसे वर्क करता है। अगर एग्जाम्पल ये पोस्ट है, सबसे हाईली एक्टिव ऑडियंस का कौन होती है, जो कमेंट करती है, जो अपना टाइम निकालती है, और कमेंट करने के बाद होती है लाइक वाली ऑडियंस, जो लाइक करती है, एंड देन बाद में आती है जो फॉलो करती है। तो हमने फोकस करना है कमेंट वाले लोगों पे। अगर आप, जैसे मैं एग्जांपल एक फॉलोअर बताता हूँ, राज शमानी, ठीक है, ही इज अ वेरी गुड इन्फ्लुएंसर, बहुत अच्छी बिजनेस की, स्मॉल बिजनेसेस की नॉलेज बहुत अच्छी देते हैं। अगर मैं एग्जांपल इनकी कोई भी, जैसे देखो द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड वेल्दी, अगर मैं इनके कमेंट्स में जाऊँ और मैं कमेंट रीड करूँ और मुझे कोई अच्छा कमेंट लिखे, जैसे मैं एग्जांपल देखता हूँ यहाँ पे सिमोन आर्य, इनका कमेंट अच्छा लग रहा है मुझे, मैं क्या करूंगा इनकी प्रोफाइल पे जाऊंगा, इनको फॉलो कर लूंगा। चलो इनके तो फॉलोअर ज्यादा है, क्या पता रिप्लाई आए भी नहीं आए, बट मैं इनको जाके डीएम कर सकता हूँ, इनसे मुझे रिप्लाई जल्दी आएगा रादर देन फॉलोअर्स वालों से। समझ में आया, रिप्लाई जल्दी कब आता है, जब लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं। क्लियर है सबको, समझ में आ गया? अब जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना, आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे अलग 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 करके। जो मैंने कैटेगरीज बताई थी, फाइव स्टार होटल्स की, जिम्स की, एविएशन की, इंस्टाग्राम को ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, समझ में आ गया सबको? चैट बॉक्स में मुझे बताओ एक बार। फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर जब पर्सन मिल जाता है तो पर्सन हमें नंबर कब देगा। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ चैट के स्क्रीनशॉट्स बताता हूँ कि लोग आपको रिप्लाई कब करते हैं। सबसे पहले क्या डीएम आपने करना है, ये मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो, 3 से 4 अच्छे टेम्पलेट है, आप उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो या फिर इसे भी यूज कर सकते हो। ये पहले भी चलते थे, आज भी चलते हैं, आने वाले टाइम पे भी चलेंगे, बिकॉज इट्स सिंपल एंड एफिशिएंट, बट ट्राई टू मेक इट समथिंग ऑफ योर ओन ऑल्सो। ये देखो मैंने यहाँ पे, हाय श्रेया, आई नो वी डोंट नो ईच अदर, बट वी रियलाइज दैट मोस्ट फीमेल वॉन्ट टू वर्क फ्रॉम होम दिस डेज, द रीजन आई एम टेक्सटिंग यू इज बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर 5 एम्बिशियस गर्ल्स इन योर एरिया टू एक्सपांड आवर बिजनेस, रिप्लाई यस इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, एज सिंपल एज दैट। क्लियर सबको? अब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको। सेकंड नीचे और एक अलग टेम्पलेट है, फिर ये एकदम शॉर्ट एंड सिंपल है। आई हैपन टू गो थ्रू योर प्रोफाइल, यू रियली हैव एन इंटरेस्टिंग प्रोफाइल, आई एम जस्ट क्यूरियस इफ यू आर ओपन टू सप्लीमेंट योर इनकम अलॉन्ग विद योर स्टडीज और जॉब, रिप्लाई यस। आप नोटिस करोगे हर मैसेज के नीचे ना एक कॉल टू एक्शन है, वो बहुत जरूरी है, और ये कंबाइंड है, इसमें हमने स्लैश किए हुए ताकि आप प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैसेज करो। मान लो कोई पर्सन को कार्स अच्छी लगती है, कार्स के फोटोज है, एजुकेशन है, कैमरा अच्छा लगता है, क्रिएटिव है, पिक्चर्स अमेजिंग है, मोटिवेशनल पोस्ट डाल रहा है, उसी तरीके से उसको डीएम करना है। समझ में आ गया सबको? डीएम्स के टेम्पलेट स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, ठीक है, सबने ले लिया। अब आते हैं हम कि आपको रिप्लाई कब आएंगे। ठीक है, मैं आपको 3 कैटेगरी के लोग बताऊंगा, एक जो तो डायरेक्टली रिप्लाई कर देते हैं, दूसरे जो काम ज्यादा पूछते हैं कि सर काम बता दो तभी हम देंगे, और तीसरे जो कॉर्पोरेट वाले लोग हैं, मतलब जो हमारी एज से भी बड़े हैं और थोड़े वर्किंग प्रोफेशनल है, उनको हमने ऐसी क्या वर्ड्स यूज करने। बिकॉज देखो नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट चॉइस ऑफ वर्ड्स, चॉइस, जितने आपके शब्द अच्छे होंगे उतना कन्वर्जन आपका अच्छा होगा। सबसे पहला स्क्रीनशॉट आप ध्यान से रीड करो, यहाँ पे हमने क्या बात की है। पहले मैंने पर्सन को डीएम किया, पर्सन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज किया, ओके प्लीज शेयर डिटेल्स, शेयर डिटेल्स थे रिसेंट चैट्स की, ये लास्ट ईयर की इनका ही रिप्लाई है, प्लीज शेयर डिटेल्स। पर्सन को मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूछा, व्हाट डू यू करंटली डू, सबको दिख रहा है ना, एक बार मैं जूम कर लेता हूँ,
मैंने पर्सन को पूछा व्हाट डू यू करंटली डू, उसने अपने बारे में बताया, मैंने सिंपल एक लाइन लिखी, एवरीबॉडी वांट्स मोर मनी सो वुड इट बी ओके इफ यू अर्न 20-30K पर मंथ इन द बिगिनिंग इन दिस ऑनलाइन होम बेस्ड बिजनेस। आप बिजनेस की जगह वर्क वर्ड भी यूज कर सकते हो, नेवर यूज द वर्ड जॉब, ऑलवेज यूज बिजनेस और वर्क, ज्यादातर वर्क यूज करो सो दैट पर्सन प्रीजज ना करे। पर्सन ने बोला यस इट विल बी, शेयर योर नंबर, आई वुड गेट इन टच विद यू एंड शेयर द डिटेल्स। सिंपल है, ऐसे आपको नंबर आते हैं या नहीं आते एक बार मुझे चैटबॉक्स में बताओ, ऐसे आपको रिप्लाई आ जाता है, कितने लोगों को आता है ये, कितने लोगों को नहीं आता है वो बताओ, रिजाइन करके बताओ कितने लोगों को नहीं आता है रिप्लाई, कि सर ऐसा ही करते आता ही नहीं है रिप्लाई। अच्छा बहुत सारे लोगों, आपको पता है क्यों नहीं आता है रिप्लाई, सारा खेल है प्रोफाइलिंग का, आपकी प्रोफाइल में दम नहीं होता है। अगर प्रोफाइल में दम होगा तो ऐसा क्या है कि मेरे पास 10 हाथ पैर तो है नहीं, या ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग ही चीज है दुनिया की। प्रोफाइल में दम होगा, ट्रस्ट होगा, इंसान दिख रहा होगा, रिप्लाई अपने आप आएगा, डरना नहीं है, सीधा मैसेज करना है। ये हो गया पहला टेम्पलेट, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब मैं सेकंड प्रोफाइल बताऊं कि सर फिर भी लोग काम तो पूछते हैं, क्या ऐसा बताए कि हमने काम भी बता दिया और नहीं भी बताया। ध्यान से देखना इसे, ये है एक डॉक्टर थी जिन्हें मैंने मैसेज किया था, इनका भी सेम था, इन्होंने यस किया, मैंने इन्हें पूछा व्हाट डू यू करंटली डू, इन्होंने बोला आई एम अ डॉक्टर। मैंने पूछा एवरीबॉडी वांट्स मोर मनी सो वुड इट बी ओके इफ यू अर्न 20-30K पर मंथ इन दिस ऑनलाइन होम बेस्ड बिजनेस, सेम जो पहले यूज किया। पर्सन ने यस नहीं बोला, पर्सन ने बोला क्या बिजनेस है, पर्सन ने काम पूछा। और ध्यान से देखना, मैंने काम भी एक्सप्लेन कर लिया विदाउट इवन गिविंग जस्टिफिकेशन, चैट पे हमने पूरा काम भी नहीं समझाया। मैंने क्या लिखा है, इट्स मोस्टली अ रिक्रूटमेंट बिजनेस विच यू कैन ऑपरेट फ्रॉम योर होम और एनीवेयर एल्स, बट एवरीवन नोज दैट वी मेक मोर मनी इन द बिजनेस देन जॉब, सो वी प्रोवाइड बिजनेस प्लेटफॉर्म फॉर पीपल हु वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस बट डोंट हैव इनफ कैपिटल एंड एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सेज। आप मुझे बताओ, अगर ये मैसेज आप काम के टाइम आइदर इन्विटेशन या फिर आप चैट पे भी लिखते हो, क्या पर्सन आप पे क्वेश्चन करेगा या यस रिप्लाई करेगा, क्या लगता है आपको, चैट बॉक्स में मुझे बताओ व्हाट डू यू थिंक, यस करेगा नहीं करेगा। करेगा राइट, चलो बहुत लोग आ रहा है करेगा, तो उस टाइम पे आपने फिर से बोल दिया शेयर योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आई वुड गेट इन टच विथ यू इन अ डे और टू। ठीक है, अब जो लोग भी ऐसा बोल रहे जिनको टाइम हो चुका है बिजनेस में कि सर ये पुराना है नया है, देखो सम थिंग्स आर परमानेंट सम थिंग्स आर टेम्पररी, ये चीजें रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर आप ये चीज फॉलो ही नहीं करोगे, अगर डुप्लीकेट ही नहीं करोगे, इफ यू वांट टू एक्सप्लोर एक्सप्लोर कर सकते हो, बट ये चीज करके देखो तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, बिकॉज इट ट्राइड एंड टेस्टेड। ये तो हो गया सेकंड वे, इनसे आपको आ जाएगा रिजल्ट। या और एक तरीका बताऊं कि कुछ लोग होते ही है सर काम तो पूछते ही है, कुछ भी हो जाए काम तो पूछेंगे, मैं आपको और एक चैट बताता हूं। इसमें पर्सन को मैंने पूछा व्हाट डू यू करंटली डू, इसने पूछा हाउ डज दैट मैटर टेल मी अबाउट योर अपॉर्चुनिटी। मैंने बोला बेसिकली यू विल हैव टू वर्क ऑनलाइन ऑन माय सिस्टम एंड ऑन सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक अर्निंग पोटेंशियल वर्किंग पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। पर्सन ने श्योर किया और मैसेज नंबर दे दिया। आप मुझे बताओ ये तीनों टेम्पलेट से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यस और नो, इनसे आपको आ जाएंगे? ठीक है, बहुत लोग मुझे आ रहा है आ जाएंगे। अब आपने बस इंप्लीमेंट करना है इंस्टाग्राम पे, पहले लोगों को ढूंढना है, ढूंढने के बाद उनको डीएम करना है। डीएम के आपको अगर मैं एग्जांपल बताऊं, देखो अगर आपका अकाउंट न्यू है, आपने 40-50 डीएम्स के ऊपर नहीं करना है, पहले 100 डीएम्स चल जाते थे, 40-50 डीएम्स के ऊपर नहीं करना है जब तक आपके अकाउंट की फॉलोइंग मोर देन 100 नहीं हो जाती। और एक साथ बिल्कुल नहीं करना है, हर एक घंटे में या दो घंटे में आपने 10-12 डीएम मैक्स करने, और वो भी कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, जो ये आपको मैंने टेम्पलेट बताया इनिशियली, इसमें थोड़ा चेंज करना है आपको, नाम चेंज करो, पंचुएशन चेंज करो, कोई वर्ड चेंज करो, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट मत करना, कॉपी पेस्ट करोगे इंस्टाग्राम उसे स्पैम में समझेगी, आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा एक हफ्ते के लिए, फिर आप बैठे रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे। सेकेंडली, अगर आपके पास एक प्रोफाइल है, आई वुड सजेस्ट यू मेक 3-4 प्रोफाइल्स इनिशियली अगर आप नए हो। मेरे पास भी मेरी 3-4 प्रोफाइल्स है, कभी कुछ हो जाता है एक प्रोफाइल को, हम दूसरी प्रोफाइल यूज कर सकते हैं। अब अगर किसी को ऐसा है कि इन चीजों से रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपने प्रोफाइलिंग पर ज्यादा फोकस करना है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी और रिप्लाई नहीं आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे साथ तो रिजल्ट आ रहा है, कंपनी भी सेम है हमारी, प्रोडक्ट भी सेम है, सिस्टम भी सेम है, सारी चीज सेम है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें रिजल्ट आ रहा है आपको नहीं आ रहा है? जस्ट द थिंग इज आप अपने आप पे उतनी चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। क्लियर हो गया सबको ऑर्गेनिक लीड जनरेशन ऑन इंस्टाग्राम? जस्ट रिप्लाई मी विद अ थम्स अप अगर समझ में आ गया है तो। ठीक है, बहुत से लोगों को समझ में आ गया है। अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा इंस्टाग्राम का इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन, वो मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए अगर आपको चाहिए तो मैं आपको मेरी एक वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें मैंने कैसे इंस्टाग्राम पे एक एड रन करनी है इन अ वेरी सिंपल वे, पेड वन, वो आपको पता चल जाएगा। इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन करने के मोस्टली दो तरीके होते हैं, बाकी उनके सब पार्ट्स है। एक तो आप इंस्टाग्राम पे प्रमोशन रन कर सकते हो अपनी स्टोरीज पे, स्टोरीज पे आपने एक पोस्ट लिख लिया कि नीड सम पीपल फॉर
माई डिजिटल प्रोजेक्ट स्वाइप अप टू नो मोर इन अ सिंपल वे, तो आप उसको बूस्ट कर सकते हो। उसकी एक वीडियो है आपको, जिन लोगों को चाहिए होगी मैं तरंग सर से आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो। एंड सेकंड है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है, ये आपको बाद में पता चलेगा। क्या इंस्टाग्राम का ऑर्गेनिक लीड जनरेशन सबको क्लियर हो गया? कैसे लोगों को ढूंढ के डीएम करके उनसे नंबर निकालना एंड देन कॉलिंग करनी, क्लियर है?